गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी खट्टी मीठी चटपटी तीखी चाट वाली चटनी। तो गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, एक गिलास पानी डालेंगे, पानी का गिलास बिल्कुल फुल भर के डालना है। पानी गर्म होते ही चीनी डाल देंगे, जितनी चीनी डालेंगे उतना ही गुड़ डालेंगे, इससे इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। आप ऐसे ही चटनी बनाइए, आपकी बहुत अच्छी बनेगी। एक टीस्पून लाल मिर्च डाल दें, एक टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून धनिया, इन सबको मिक्स कर लें। इसके बाद उतना ही गुड़ डालें जितनी आपने चीनी डाली है। इससे आपकी चटनी जो है ना बहुत ही परफेक्ट बनती है, ना थिक होगी और कलर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। कलर टेक्सचर जो होता है ना, कभी काली हो जाती तो बहुत ही अच्छा कलर टेक्सचर आएगा। ऐसी बनाइएगा आप मेरे कहने पे। चार चम्मच खटाई, मैं यहाँ पे आप इमली का पानी भी ले सकते हैं कटोरी, लेकिन मैंने खटाई ली है तो चार चम्मच खटाई लीजिए। एक टीस्पून काला नमक, टू टीस्पून आपको सौंफ डालनी है, एक टीस्पून पिसा हुआ जीरा, आधी टीस्पून गरम मसाला, इन सबको मिक्स कर दीजिए। 10 मिनट तक आप लो फ्लेम पर पकाइए। पकने के बाद आप देखिए आपकी जो चटनी इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका, इतना बढ़िया। फिर इसमें आप चाहे तो 2 चम्मच किशमिश डाल सकते हैं आप, और कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर नहीं डालना चाहते स्किप भी कर सकते। ठंडा होने के बाद आपका किसी कांच के कंटेनर में भर के रख दीजिए, 1 से 2 महीने आराम से चलेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।